अपने भक्तों के दिलों की धड़कन बाबा खेत्रपाल जी, जिन्हें उनके भक्त बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से पूजते हैं, और भक्तों के इसी विश्वास को बाबा खेत्रपाल जी कभी टूटने नहीं देते और अपने भक्तों को कभी भी कोई परेशानी में नहीं देख सकते, ऐसे दयालु देव है बाबा खेत्रपाल जी। बाबा खेत्रपाल जी को अगर थोड़ा सा भी खुश कर लिया जाए तो भक्तों, ये पीढ़ियों तक परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आप भी कोई दुख या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो बाबा जी आपके सारे कष्ट हरेंगे। बस जरूरत है तो थोड़े से इनके उपाय करके इन्हें मनाने की। तो चलिए जानते हैं कौन से बिगड़े काम बनवाने के लिए कौन से उपाय करें। ये उपाय 101% गारंटी के साथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका छोटा बच्चा है और वो दिन रात रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इससे बच्चे को और आपको काफी परेशानी हो रही है, तो 14 के दिन अपने घर के मंदिर में बाबा खेत्रपाल जी के नाम से सरसों का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्दी ही आपके बच्चे की ये परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी जुबान लड़खड़ाती हो और आवाज से साफ नहीं बोला जा रहा या फिर तुतलाकर बोलते हो, तो ऐसे में बाबा खेत्रपाल जी आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। बस आप 1.25 किलो लड्डू बाबा खेत्रपाल जी के मंदिर में हर शनिवार को चढ़ाएं। ऐसा आपको 21 शनिवार करना है और यह प्रक्रिया टूटनी नहीं चाहिए, लगातार हर शनिवार करनी है। इससे बाबा खेत्रपाल जी आपकी जुबान को साफ करेंगे और आपकी आवाज़ को मधुर बनाएंगे। बात करते हैं तीसरे पहलू पर, अगर आपके घर में लगातार कलेश हो रहा है, परिवार में रोज झगड़ा हो रहा है, तो परिवार में शांति बनाने के लिए परिवार के मुखिया अगर अपने पति या पत्नी के साथ जोड़े से 21 शनिवार बाबा खेत्रपाल जी के मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेक कर परिक्रमा कर आए, तो आपको जल्दी ही घर में शांति के रिजल्ट दिखने लगेंगे। आगे, अगर आपके घर में किसी की नई शादी हुई है या होने वाली है, तो शादी के बाद नए दुल्हा दुल्हन को बाबा खेत्रपाल जी मंदिर में धोक जरूर लगानी चाहिए, ताकि भविष्य में पति पत्नी के बीच सुख शांति बनी रहे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बाबा खेत्रपाल जी को खुश करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल से गुलगुले और गुड़ के मीठे पुए बनाकर शनिवार या रविवार को किसी गरीब में बांट दें। ऐसा करने से बाबा खेत्रपाल जी आप पर प्रसन्न होंगे और आपके संकट हरेंगे। बात करते हैं छठे पॉइंट पे, अगर आपके कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और घर में बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसे में 14 के दिन 1.25 किलो जलेबी 1.25 किलो गुड़ के साथ बाबा खेत्रपाल जी मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा आपको 11-14 करना है। ऐसा करते करते कब आपको बाबा जी की कृपा मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर में कमाई के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपकी दुकान या आपका कोई भी पैसे कमाने का कोई भी बिजनेस हो, अगर घाटा हो रहा हो, तो आप ये उपाय जरूर कीजिए, आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। सातवें पॉइंट की बात, काले कुत्ते को भोजन कराने और दूध पिलाने से भी जातक पर बाबा खेत्रपाल जी की कृपा सदैव बनी रहती है। बात करते हैं आठवें पॉइंट की, बाबा खेत्रपाल जी की पूजा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति प्राप्त होती है और ग्रह बाधा और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं नौवें पॉइंट की, अगर आप बाबा खेत्रपाल जी के मंदिर में बाबा जी की ज्योति के लिए सरसों का तेल दान करते हैं, तो आपका बिगड़ा हुआ भाग संवर जाएगा। आगे बात करते हैं दसवें पॉइंट की, अगर आप 14 के दिन जिस दिन शनिवार पड़ता हो, उस दिन बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर बाबा जी को याद करके आप गरीब लोगों में कपड़े, भोजन, पानी, तेल इत्यादि का दान करते हो, तो बाबा जी आपके सारे दुख दूर करेंगे और अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। तो भक्तजनों, अगर आपने बाबा जी की कृपा पाने के लिए ये सब कर लिया, तो यकीन मानिए बाबा खेत्रपाल जी आपकी सदैव रक्षा करेंगे, और इतना ही नहीं, आप पर कभी दुखों का साया तक भी नहीं आने देंगे। ऐसे है बाबा खेत्रपाल जी।
अगर आप भी बाबा खेत्रपाल जी को मानते हैं तो कमेंट में जय बाबा खेत्रपाल जी जरूर लिखें। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सदैव आपको भक्तिमय वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय बाबा खेत्रपाल जी।